जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद, उनकी कृपा खूब भर भर के बनी रहे। हाँ, तो अभी मैं 2-3 दिन लाइव आई थी, ठीक है। और लाइव जब मैं आई थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने टोक दिया, दीदी आप मोटे हो गए, दीदी आप मोटे हो गए, दीदी आप मोटे हो गए। दीदी उसी दिन से बिस्तर पर पड़ी हूँ, सही बता रही हूँ, मतलब मेरी तबीयत खराब है और मजाक कर रही हूँ। तबीयत तो खराब है लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे आप लोगों की नजर लग गई। इतना प्यार जो आप देते हैं उसके आगे तो कुछ भी नहीं है ये सब। और बाकी तो माँ काली साथ है और ये इंसान का शरीर है, यहाँ तबीयत खराब होना कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो हमें तो ठीक भी ना है, हमें तो ये समझो कि हाथ भी नहीं दुखना चाहिए, हमारी उंगली भी नहीं दुखनी चाहिए अगर हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपका पूजा पाठ एक तरफ है लेकिन आप ये मत भूलो कि ये शरीर है, यहाँ बीमारियां। आज के टाइम पे हम देखे ना, सबसे बड़े जो संत में जिनको मानती हूँ प्रेमानंद जी महाराज, उनकी दोनों किडनियां खराब है। अब वो तो इतने बड़े भक्त हैं श्री जी के, राधा रानी के, तो उसके हिसाब से तो उनको भी कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन दोनों किडनियां खराब है। भाई हमारे कुछ कर्म रहते हैं, ये इंसानी शरीर है। अब इनके बाद हम देखें तो जो आते हैं ये माँ काली के सबसे बड़े भक्त स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, तो अब उनको देखा जाए, रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली कितने बड़े भक्त थे लेकिन इनको कैंसर था। तो ऐसा नहीं है कि भक्तों के जीवन में बीमारियां नहीं आती है, बिल्कुल एकदम ऐसे फ्री हो जाता है, ऐसा नहीं है। भक्त के जीवन में ही दिक्कतें आती हैं, ये इंसानी शरीर है, यहाँ बीमार भी पड़ोगे, आपको छींके भी आएंगी, आपकी नाक भी बहेगी, आप हॉस्पिटल भी जाएंगे, आप पर ड्रिप भी लगेगी, लेकिन इससे आप ये ना समझें कि आपके ऊपर कृपा नहीं है या आप पे किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है। ठीक है जी, तो आज के वीडियो में ना हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि सवारी आना क्या होता है। जो लोग मतलब मुझे भी लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे कि आपको सवारी आती है तो कौन सी, कैसे आती है, आप उनको वीडियो में दिखाओ और सवारी आना क्या होता है। मतलब हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सवारी आना क्या होता है, क्या सच में सवारी आती है, क्या सच में माँ काली किसी के शरीर में आती है, क्या माँ दुर्गा किसी के शरीर में आती है, हनुमान जी की सवारी आती है तो क्या हनुमान जी किसी के शरीर में आते हैं, भैरव जी की सवारी आती है तो क्या भैरव जी किसी के शरीर में आते हैं, इसके पीछे क्या मेरी सोच है, रियलिटी मैं आपको बताऊंगी अपनी। अब मुझे सवारी आती थी है कि नहीं आती, के क्या है पूरा मैटर, हम इस बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं आपको ना मेरे चैनल पे कोई बात फेक नजर नहीं आएगी, जो चीज है मैं आपको रियल बताऊंगी। तो अगर कुछ लोग अगर एक तरीके से सिर्फ एक लाइन में मेरा आंसर लोग जानना चाहते हैं क्या सच में सवारी आती है, तो मैं कहूंगी हाँ आती है, सच में सवारियां आती है। और मैं आपके तरीके से बताऊं, सच मैं कभी नहीं मानती थी इन सवारी को, क्योंकि मेरी जो जैसे परवरिश हुई है इतनी मतलब फैमिली का बैकग्राउंड, और मैं स्पोर्ट्स में थी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, सब चीजें हैं, तो मैं कभी इन चीजों को नहीं मानती थी कि सवारी भी किसी, मतलब मैं ये नहीं मानती थी कि किसी इंसान के शरीर में देवी देवता आ सकते हैं। तो मैंने आपने अगर मेरे वीडियो देखे हैं, मैंने माँ काली को कैसे पाया वाले पार्ट मैंने उसमें बताया था कि नवरात्रि के दिनों में मैं व्रत करती थी, पूजा पाठ करती, लेकिन मैं ये सब चीजें नहीं मानती, सवारी आना ये बहुत सारी चीजें। तो मेरे घर के सामने से जब माता के जगराते, मतलब वो क्या बोलते हैं, जुलूस निकलते थे, यात्राएं निकलती थी, शोभा यात्रा निकलती थी नवरात्रि में, जब आर्य विसर्जन के लिए जाते थे या माता की कोई यात्रा निकलती थी, उसमें मैं बहुत सारी महिलाओं को देखती थी, मैं बहुत सारे ऐसे पुरुषों को देखती थी जो ऐसे जीभ निकाल के खूब झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, महिलाओं को देखती थी हाथ में सर पे कलश रखा हुआ है और झूम रही है, चार लोग पकड़ रहे हैं। तो मैं जब छत से ये चीजें देखती थी ना, तो मेरे मन में क्या आता था कि क्या नाटक है, मतलब ये लोग माता का कितना मजाक बना रहे हैं, ये इस तरीके से, मतलब माँ किसी के शरीर में आई नहीं सकती, ये सब नाटक है, सब कुछ भी नहीं होता है, आए तो मेरे शरीर में है ना, मैंने भी तो नवरात्रि के व्रत रखे, मेरे शरीर में माँ क्यों नहीं आती, मेरे शरीर में जब माँ आएगी तो ही मैं मानूंगी कि माँ किसी के शरीर में आती है, वरना मैं नहीं मानूंगी। ये सब लोग बकवास करते हैं, ये सब नाटक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर माता किसी के शरीर में आ जाए तो फिर हमें मंदिर में जाना छोड़ देना चाहिए, और जिसके शरीर में माता आ रही है हमें उसे मंदिर में बैठा देना चाहिए, ये मेरी सोच हुआ करती थी उस टाइम पे। तो आप देखिए स्टोरी मेरी पूरी आपको चलेगी कि बहुत टाइम बाद जब मेरे साथ ये सब चीजें हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं,
कुछ तो एक दैवीय शक्ति होती है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि माँ काली शरीर में आती है, इसका मतलब है कि माँ दुर्गा शरीर में आती है, तो नहीं। जब हम बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो माँ हमें कृपा स्वरूप में अपना एक अंश प्रदान करती है, एक अंश। अंश यानी कि माँ के चरणों की धूल का भी हजारवां कण हमको एक अंश के रूप में मिलता है। और माँ काली हो या कोई भी शक्ति हो, कोई भी देवी देवता अकेले नहीं चलते, माँ काली के साथ में उनकी 64 योगिनियां चलती है। तो वही जो योगिनियां रहती हैं, वही हमको कृपा रूप में एक तरीके से मिलती है माँ के आशीर्वाद के थ्रू। एक मिनट, ठीक है। दरअसल बीच में ना ईशू और मम्मी आ गए थे दोनों, तो मैंने तो वीडियो रोक दिया था, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे माँ की कृपा का, माँ के जो चरण धूल है उनकी, उनका हजारवां कण हमें कृपा के रूप में यानी कि सवारी के रूप में, माँ की योगिनी के रूप में प्राप्त होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सवारी नहीं आती, सवारी आती है। अब आप एक चीज को देखिए, मैं क्या मेरे ऊपर सवारी आती है? हाँ, मेरे ऊपर आती थी और बहुत टाइम तक आई है, लगभग 2 से 3 महीने, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 2 से 3 महीने। उसके बाद मुझे ये चीज शुरू से नहीं पसंद थी, क्योंकि जो सवारी जब आती है, खुशी सबको होती है कि भाई माँ की सवारी आ रही है, माँ की कृपा मिल गई है हमको। लेकिन जब एक चीज हुई ना मेरे साथ में, कि लोगों ने माँ काली को ना मानकर मुझे भगवान मानना चालू कर दिया था। कुछ भी चीज हो रही है इससे जाके पूछ लो, कुछ भी चीज हो रही है इससे जाके पूछ लो। उस टाइम गुरु भी नहीं थे, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर परेशान हो गई थी। दूसरा, कुछ लोग मानते थे इस कृपा को, कुछ लोग नहीं मानते थे। यानी कुछ लोग बोलते थे कि ढोंग कर रही है, तमाशा कर रही है। और जैसे मैं आज भी ना लोगों की जब रील देखती हूँ ना सवारी वाली, बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पर, तो मुझे लगता है यूट्यूब ही धाम बन गया एक तरीके से। तो लोग जब सवारी वाले वीडियो डालते हैं खुद के ही, तो मैं जब उनके कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं कि अरे इनसे तो गर्मियों में काम करवाना चाहिए, खेतों में ढोंग कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, तमाशा बना रहे हैं देवी देवताओं का। कोई कहता है, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियां भी देते हैं। तो ये ना एक तरीके से देवी का मजाक बन गया। अब आप तो चैनल पर उस चीज को डाल के पैसे कमा रहे हो, ठीक है, आपको पैसा मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, वो चीज आपको नहीं दिखती। तो ऐसा नहीं है कि मैं बैकग्राउंड में मुझे सवारी आती, मैं चैनल पर नहीं डालती, नहीं, मुझे सवारी आती ही नहीं है। मतलब आती थी, लेकिन मैंने इस चीज को रुकवा लिया है। मैंने माँ से प्रार्थना की थी कि माँ मुझे आपकी योगिनी नहीं चाहिए, मुझे आपका अंश नहीं चाहिए, मुझे पूरी पूरी आप चाहिए। जो सच्चा भक्त होगा ना, जैसे मैं रामकृष्ण परमहंस जी का हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, उससे सवारी नहीं आती, उन्हें सवारी नहीं आती। वो माँ के कितने बड़े, उनसे बड़ा कोई भक्त होगा भला माँ का? और जितने भी सच्चे भक्त माँ के हैं ना, मुझे ऐसा लगता है सच्चे भक्त माँ के, बाकी जिनको सवारी आती है मैं उनको झूठा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जिनका रियल में माँ से कनेक्शन है उनको सवारी नहीं आती होगी, मैं ऐसा मानती हूँ। क्योंकि योगनी जब माँ को मिल जाती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कुछ कल के वीडियो में, कि माँ बच्चा जब रोता है तो माँ उसे खिलौना पकड़ा देती है, बच्चा उसी में खुश रहता है। लेकिन जब बच्चा कंटिन्यू रोता रहता है तो माँ उसके पास आती है। सेम वही चीज है, बच्चा जब बहुत ज्यादा भक्ति करता है, माँ उसे एक अंश दे देती है सवारी के रूप में, तो वो उसमें खुश रहता है। अरे भाई बस हो गया हमारा काम, बस इतनी ही कृपा चाहिए थी, इससे ज्यादा हमको कुछ चाहिए ही नहीं, उतने में खुश हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे ये वाली कृपा, अंश वाली, सवारी वाली कृपा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तो मेरा जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, वो मेरी माँ काली से है, इसलिए मैं हमेशा सवारी के विरोध में रहती हूँ। मेरे जितने भी शिष्य हैं, जितने भी बच्चों ने मुझसे गुरु दीक्षा ली है, मैं हमेशा उनसे एक ही चीज बोलती हूँ कि अगर तुम मुझसे सवारी के लालच में, अगर तुम मुझसे गद्दी के लालच में दीक्षा लेना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दीक्षा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं किसी भी अपने शिष्य को गद्दी नहीं लगाने दूंगी। बिना गद्दी के भी लोगों का जनकल्याण अगर आपको करना है, तो बिना गद्दी के भी कई तरीके होते हैं माँ की कृपा से लोगों का जनकल्याण करने के। अगर आपकी भक्ति में शक्ति है वाकई में, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मुझे सवारी नहीं आती, लेकिन माता रानी की कृपा से बहुत लोगों के काम बनते हैं, हजारों लोगों के काम बनते हैं यहाँ से। एक दिन ऐसा आएगा कि लाखों लोगों के भी काम बनेंगे। तो सीधी सी बात है कि सवारी आती है, माँ की अंश, माँ की योगिनी हमको प्राप्त होती है। लेकिन आप समझो कि सीधे माँ काली किसी के शरीर में घुस गई, सीधे माँ दुर्गा घुस गई, सीधे हनुमान जी घुस गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। से अंश, जैसे हनुमान जी की बालाजी की सवारी आती है, वो बालाजी नहीं होते हैं, वो उनके होते हैं दूत। दूत उनको मिलते हैं, दूत यानी जैसे माँ की योगिनी है, जैसे बालाजी के दूत, शिव जी के दूत, दूत प्राप्त होते हैं। स्वयं प्रकट होकर देवता किसी के शरीर में एंटर नहीं करते हैं।
किसी एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि जब किसी के शरीर में सवारी आती है या कुछ भी आता है तो उसको शांत हो जाना चाहिए, वो इस तरीके से झूमता क्यों है। मैं आपको बोलूंगी, जैसे हमारा अभी शरीर नॉर्मल है, ठीक है, आप बिजली के किसी भी तार को छुएंगे तो आपको झटका लगेगा, क्यों? क्योंकि दूसरी जो करंट, दूसरी एनर्जी जो हमारी बॉडी में घुसेगी तो हम तड़प उठेंगे एकदम से, हमारा हमारी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि प्राकृतिक चीजें ऐसी ही होती हैं। सवारी आना प्राकृतिक चीज है, ऐसा नहीं मन का भ्रम नहीं है, हम इसको मन का भ्रम नहीं बोल सकते। बहुत से लोग बोलते हैं मानसिक बीमारी है, डॉक्टर के पास लेके जाओ, जब जहां साइंस खत्म होता है ना वहां से सनातन चालू होता है, वहां से ये चीजें चालू होती है। तो हम इसको टोटली नकार नहीं सकते कि ये चीजें नहीं है। अब बहुत से लोग आके मुझे भी ज्ञान देंगे, दे लो भैया जितने मुंह उतनी बातें हैं, लेकिन जो चीज सच्चाई है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ मुझे सवारी आती थी, लेकिन मैंने माँ से प्रार्थना करके भी, मुझे मजाक बनवाना पसंद नहीं है। सेम अपने शिष्यों को बोलती हूँ, माँ को पाना है माँ को पाओ, मैं गाइड करूंगी, माँ कैसे मिलेगी, अगर जन कल्याण करना है मैं गाइड करूंगी कैसे होगा, लेकिन मैं सवारी गलती और सर हिलाना, झूमना, जीभ निकालना मुझे नहीं पसंद कि चार लोग गाली दें, सीधी सी बात है। तो जब हम बिजली के तार को छूते हैं तो एक हमारे अंदर करंट दौड़ जाता है और हम गिर पड़ते, छटपटाने लगते हैं, वो एक दूसरी एनर्जी होती है, करंट वाली, लाइट का झटका लगना। इसी तरह हमारे नॉर्मल शरीर में जब कोई दैवीय शक्ति का अंश भी हमको छूता है तो बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती, इधर उधर फिकना, झूमना, पता नहीं हम क्या 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 करने लगते हैं। और जब वो शरीर से बाहर निकलती है तब तो हम बेहोश हो जाते हैं, हाथ पैरों में दर्द, जैसे बहुत कोई कंधों पे वजन रख के गया हो। हाँ, सवारी आने के बहुत सारी चीजें, नियम पालन भी होते हैं, एक इंसान का शरीर इंसान का नहीं रह जाता है, देवी शक्ति का अंश मात्र भी अगर आ रहा है ना तो आपको बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, बहुत सी चीजें रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंसानी शरीर मिला है तो आप उसे इंसान की तरह जिए और इंसान बनके ही पूजा पाठ करें, ऐसा कभी मत करें कि लोग भगवान को छोड़ के आपको पूजने लगे, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कि आप मेरे बाकी के वीडियो में ना एक चीज आप नोटिस करना कि अगर मेरे कोई पैर छूता है, मुझको कोई बहुत ज्यादा मान सम्मान देता है तो वो मेरे शिष्य होते हैं, इसके अलावा मैं बहुत कम लोगों से पैर छिलवाती हूँ। या फिर ऐसा होता है कि अगर यहाँ से अगर किसी का काम बनता है तो वो भाववश मेरे पैर छूना चाहता है कि आपकी वजह से हमारा काम हो गया, तो ही है, वरना मुझे तो ये भी पसंद नहीं है कि लोग मुझे उठाकर भगवान की तरह पूजें। बाकी मेरे शिष्यों की भाव होती है, क्योंकि मेरे शिष्यों के लिए मैं भगवान के समान हूँ, मैं अपने आप को भगवान नहीं बोल रही, क्योंकि मैं हमेशा अपने शिष्यों को यही सिखाती हूँ कि गुरु जो होते हैं ना, गुरु भगवान से भी बढ़के होते हैं। मैं अपने गुरु को माँ काली से भी बढ़कर मानती हूँ, मेरे लिए माँ काली बाद में है, मेरे गुरु जी ही मेरे लिए माँ काली है। मैं माँ काली को देखती हूँ, मैं उनमें भगवान देखती हूँ। यही सेम चीज जो मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि गुरु यानी कि भगवान। अगर आप गुरु के अंदर भगवान को नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी भक्ति ही जीरो है, आपकी भक्ति शून्य है बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपके सामने कभी भगवान प्रकट हो जाए तो आप क्या रिएक्ट करोगे, ठीक उसी तरीके से आपको वर्ताव करना है अपने गुरु के साथ में। अब आपको जब भगवान मिलेंगे तो आप उनसे ये थोड़ी ना बोलेंगे हमको बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, ये दे दो, ये तो मूर्ख इंसानों के काम है। भगवान के चरणों में बैठ के बोलो कि हमें ले चलो अपने साथ में, हमें पार लगा दो प्रभु। सेम चीज ऐसी होती है। तो मेरे शिष्य अगर मेरे लिए कुछ भी करते हैं तो वो उनके भाव है, उसके लिए मैं रोक नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को यही सिखाया है, क्योंकि मेरे गुरु जी ने मुझे यही सिखाया है, क्योंकि मुझे मेरी माँ काली से यही ज्ञान मिला है कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये चीजें हैं। तो ये कुछ मैंने आपको बताने की कोशिश की सवारी के बारे में, कि सवारी आती है कि नहीं आती है और बॉडी पर काबू क्यों नहीं रह पाता है। बहुत सवारी को लेकर और भी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे, फिलहाल तो मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने आपको बता दिया, फिलहाल तो बस इतना ही याद आ रहा है, बाकी की चीजें देखते हैं। अगर कुछ और छूट जाता है सवारी के बारे में, आप कुछ और पूछना चाहते हैं कि सवारी के वचन झूठे क्यों जाते हैं, ये सब चीजें, चलो इनके वीडियो तो हम अलग से बना देंगे। फिलहाल तो यही था कि सवारी आती है या नहीं आती, क्या सच में माँ काली आती है, तो ये चीज मैंने आपके डाउट क्लियर कर दिए कि हाँ सवारी आती है, लेकिन वो माँ का अंश होता है, वो माँ काली नहीं होती। माँ काली अगर किसी के शरीर में आएगी ना तो ये इंसान का शरीर फट जाएगा भाई, पहली बात तो कुछ नहीं बोल सकती। माँ काली कभी किसी के शरीर में नहीं आती, उनकी योगनियां आती है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं योगनियों के चक्कर में ना पड़ के सीधे माँ से कॉन्टेक्ट करें, है ना। तो बस ये मेरे पर्सनल भाव थे, कोई भी व्यक्ति इसे व्यक्तिगत तरीके से अपने ऊपर ना ले, हाथ जोड़कर विनती है। मुझे पता है यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं, हम तो अल्प ज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ आपको वही चीज बताती हूँ जो मुझे मेरी माँ बताती है, जो मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस रहते हैं, जो मेरे माँ के साथ अनुभव रहे हैं।
वही चीजें मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, या आप लोगों के प्रश्नों तक का वीडियो रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, बहुत सारा प्यार।